जगन्नाथ जी जो है वो कलयुग के भगवान है, पतित पावन भगवान है, जो कि क्योंकि कलयुग के लोग इतने आजकल आलसी और अज्ञानी हो गए हैं कि वो मंदिर में आकर भी भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, तो भगवान उन्हें खुद दर्शन देने मंदिर से बाहर आ जाते हैं। तो हमें जो है वो बहुत अच्छा महसूस हुआ और बहुत मजा आया। हरि बोल। आज श्री श्री जगन्नाथ जी का रथ यात्रा हुई है इस्कॉन गिद्वारा रामलीला ग्राउंड में, और आज हमें ऐसा फील हुआ जैसे हम जगन्नाथपुरी में ही आए होते हैं। हमने रथ चलाया और उसमें रस्सी के सहारे हमने सभी ने रथ को खींचा और इतना अच्छा हमें फील हुआ। जगन्नाथ जी वो हैं जिन्होंने पतितों का उद्धार करने के लिए इस धरती पर अवतार लिया है, तो हम सभी इस रथ यात्रा को करके बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। तो आज रथ यात्रा के पावन उत्सव पर हम इस्कॉन पठानकोट की तरफ से हमने रामलीला ग्राउंड पे प्रांगण में आज रथ यात्रा का आयोजन किया था, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और जगन्नाथ भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जगन्नाथ भगवान के कोई एक बार भी अगर रथ में बैठे हुए दर्शन मात्र ही कर लेता है, उसके कई जन्मों के पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। कृष्णा, आज जो थी रथ यात्रा थी, जगन्नाथ भगवान जो है वो कलयुग के भगवान है, वो 15 दिनों के लिए अपने भक्तों के कष्ट लेने के लिए बीमार हो जाते हैं और उसके बाद अपने बहन और भाई के साथ रथ में शामिल होकर अपनी मासी गुंडीचा के घर जाते हैं। उनकी जो है आंखें बहुत बड़ी हैं, वो उनके आंखों में जो रेड कलर है वो दया को रिप्रेजेंट करता है, और उनकी पलकें भी नहीं है ताकि वो हमेशा अपने भक्तों के लिए देख सकें। हरे कृष्णा। जैसे कि आज यहाँ पे रथ यात्रा हुई है तो हमें जगन्नाथपुरी का ही अनुभव हुआ है, और वही हमें यहाँ पे पूरी तपस्या का फल मिलेगा जो आज हमने यहाँ पे किया है, रथ यात्रा निकाली है, तो बहुत ही अच्छा अनुभव था। तो आप सबको यही अनुग्रह है कि आप सभी जुड़िए और भगवान जगन्नाथ जी के नाम में अपना दिल लगाइए और जगन्नाथ जी सबका कल्याण करेंगे। हरे कृष्ण। आज बड़ा विशेष दिन है, आज जगन्नाथ भगवान जी की रथ यात्रा है, तो ये पूरे साल में एक बार जगन्नाथ भगवान अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए अपने मंदिर को छोड़कर बाहर निकलते हैं। सारे ब्रह्मांडों के राजा, सारी सृष्टि के मालिक, हम जीवों का कल्याण करने के लिए अपने महल को छोड़कर बाहर आते हैं ताकि हम जीवों का कल्याण हो सके, और उसी रथ यात्रा के उपलक्ष में हम इस्कॉन पठानकोट के भक्त यहाँ पर एक छोटी सी रथ यात्रा की शोभा यात्रा निकालने का प्रयास किए, जिसमें भक्तों ने बड़े ही दिल से भाग लिया। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मैं दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, और जो इनको समझ लेता है तत्व रूप में वो दोबारा जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। तो हमने भी एक प्रयास किया शिला प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरु महाराज जी की कृपा से। जय जगन्नाथ। हरे कृष्णा। आज हम सभी रामलीला ग्राउंड में एकत्रित हुए श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन जी महाराज जी की रथ यात्रा के लिए। यहाँ पर हमें आके ऐसा महसूस हुआ कि साक्षात हम जगन्नाथपुरी में ही आ गए हैं, बिल्कुल वैसे ही वाइब, सब कुछ वैसे ही माहौल। और मैं इस चैनल के माध्यम से आप सबको बताना चाहूँगी कि जो ये प्रोग्राम है हर रविवार को रामलीला ग्राउंड पठानकोट मिशन रोड पर होता है 12 से लेकर 3 बजे तक, तो आप हर रविवार आ सकते हैं और जगन्नाथ जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरि बोल।